परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सप्ताह हमने मेडिकल योगा के बारे में जाना और बहुत से प्रयोग हमने नए नए प्रयोग भी सीखे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और प्रयोग उसमें सीखेंगे। हमारे साथ किशोरी जी वर्मा, हमारी प्रशिक्षिका, जुड़ चुकी है हमें प्रयोग करवाने के लिए। किशोरी जी से हम भली भांति परिचित हैं, उन्होंने पहले भी कई सेशन हमारे यहाँ बहुत शानदार तरीके से लिए हैं, तो उनके परिचय में हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहेंगे। मैं किशोरी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। सर, अपॉर्चुनिटी दीजिए उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी के लिए जो भी साधक जुड़े हैं, आपके समय के लिए धन्यवाद। बैठो, बटन फोन के ऊपर बैठना है, फ्लैश इनसाइड आउट बाहर निकालना है, डेंजरस आइटम एक्सरसाइज टाइम को लंबा कीजिए, एलोमेटेड में ओपन द चेस्ट, दोनों हाथों का नमस्कार इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, बोथ पाम टुगेदर, एल्बो डाउन, आईज क्लोज, फेशियल मसल्स रिलैक्स, अपने सांसों की तरफ ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग, बोथ नोस्ट्रिल्स, प्रे टुगेदर, परिवारों का शुभ वंदना। सर, ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः, योगेन पितृभ्य पतेन वाचा, शुरू करें तो करने से छोटे छोटे ज्वाइन के मूवमेंट सभी को करना जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज को भी शुरू के 3 महीने बेड रेस्ट भी कहा है, तो फर्स्ट सेमिस्टर से उनको छोटा छोटा वॉक करना जरूरी है। उंगलियों की मूवमेंट दे रही एल्बो मूवमेंट क्लॉकवाइज, अभी भी 3 बार ले रही हो, ओपन द चेस्ट वेल, ये क्लैरिकल शोल्डर आउटर, ज्यादा ज्यादा नेक से दूर करना है, अवेलेबल नेक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेस्ट को अच्छे तरीके से ओपन करना है। पीछे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शोल्डर ब्लेड एक दूसरे के पास लाना है इनटू द बॉडी 3 बार, देन शोल्डर मूवमेंट 1 2 3 4 5, देन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, ये आप 10 10 बार भी कर सकते हो। नेक मूवमेंट अभी 3 3 बार ले रहे हुए, लेफ्ट साइड 10 स्टेप, राइट साइड स्टेप, लेफ्ट स्टेप, राइट स्टेप, अगेन लेफ्ट, ये स्लो स्लो करना है, राइट, देन चिन टुवर्ड्स द चेस्ट, स्टेप,
अवेयर फ्रॉम योर फेस अगेन सेकेंड टाइम. Towards the face, then left side, गर्दन को ज्यादा ज्यादा कंधे की तरफ लेके जाओ. राइट साइड कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कोशिश करो गर्दन को कंधे की तरफ लेके जाने के. 3 बार, देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार. राइट पाम से लेफ्ट एल्बो होल्ड करना है, ज्यादा ज्यादा साइड ट्रंक को ऊपर उठाना है. गर्दन को ऊपर उठाओ, स्पाइन को ऊपर उठाओ, फिर रिलैक्स, फिर चेंज. ये दो दो बार करना है, मैं एक एक बार ही बता रही हूँ. फिर रिलैक्स, थोड़ा वार्म अप होने के बाद ही प्राणायाम अच्छे से होगा. चेंज, रिलैक्स. अभी आपको मैंने बताया था आप दुपट्टा या बेल्ट कुछ भी आप लेके बैठो, तो मैं आपको दिखा रही हूँ. इसे हमने चेस्ट अच्छी तरीके से ओपन होती है. प्राणायाम का जो हम अभ्यास करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने पूरे बॉडी को सेल्यूलर लेवल तक पहुंचता है. इसलिए एक बेल्ट ले लो या दुपट्टा ले लो चेस्ट ओपनिंग के लिए. लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि हमारे जो प्राणायाम के सब मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स, पेक्टोरिस, मेजर माइनर, पीछे रेमबॉइड, नीचे डायफ्राम, तो इसके सबने के ऊपर हम लोगों को काम करना है. सभी पहले मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो अच्छे से हमको उसका बेनिफिट 100% होगा. तो पहले थोड़ा सा डिस्टेंस शोल्डर के, डिस्टेंस शोल्डर का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लो. आपके पास जो भी दुपट्टा है उतना डिस्टेंस लेके स्लोली सांस लेते हुए इनहेल अनअप ऊपर लेके जाना है. टाइट ट्रंक को ऊपर उठाना है, स्पाइन को, गर्दन को. एक्सहेल एंड डाउन सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है पूरा जितना हो सके उतना. फिर से इनहेल अनअप ऊपर लेके जाइए, एक्सहेल एंड डाउन स्लोली स्लोली करना है. इनहेल सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे. आर्म को फॉर्म रखना है, एल्बोज लॉक, शोल्डर लॉक, रिस्ट लॉक, ये बातें ध्यान रखना है. लास्ट टाइम मैंने बताया था, अभी 3 बार ही लिया है मैंने, ये 6 6 बार आप कर सकते हो. इसके बाद थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लो, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लो. ये अलग अलग वेरिएशन करने से अलग अलग मसल्स के ऊपर काम होता है. डिस्टेंस बढ़ाने के बाद इनहेल लेना, जितना हो सके उतना पीछे ले जाने की कोशिश करो. चेस्ट अच्छे तरीके से ओपन होती है, इंटरकॉस्टल मसल स्ट्रेच करते हैं. एक्सहेल एंड डाउन नीचे, अगेन इनहेल लेना, एक्सहेल एंड डाउन. गर्दन को सीधा रखो, स्पाइन को सीधा रखो. इनहेल इनअप, एक्सहेल एंड डाउन. इस तरीके से 6 6 बार वार्म अप होने के बाद फिर साइड साइड मसल्स के ऊपर काम करेंगे. फिर से थोड़ा डिस्टेंस लेके इनहेल लेफ्ट साइड, अगेन रिलीज राइट साइड, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. स्पाइन को, गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करो और आर्म पर 3 बार, 3 टाइम इनहेल एक्सहेल, अगेन एक्सहेल. प्राणायाम के पहले थोड़ा मूवमेंट करना जरूरी है. कभी भी हम अभ्यास करते हैं, पिछले बार मैंने 2 सेशन में बताया, तो हो सके तो प्राणायाम और आसन अलग अलग करो, तो आपका प्राणायाम का
अच्छे तरीके से होगा। आसन से हम थक जाते हैं कि प्राणायाम इतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। तो आप अलग अलग करोगे तो उसके 100% बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अभी मैंने यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये स्पेशल है कि उनको बेड के उनमें इतने एनर्जी लेवल नहीं रहते कि बेड के वो काफी देर तक कर सकते। प्लस सीनियर सिटीजन जिनकी एज है तो उनके में भी बेड के प्राणायाम करना थोड़ा मुश्किल है। तो सुपाइन पोजिशन यानी लाई डाउन पोजिशन में भी उन्होंने लेट के भी प्राणायाम किया, तो साइंटिफिकली वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा बेनिफिशियल है, यानी ज्यादा उसके फायदे है। तभी वो तरीके से तो अपना चेस्ट ज्यादा सा तो ओपन करना है, क्योंकि ये ओपन करने के लिए हम दीवार का सहारा ले सकते हैं। तो दीवार की तरफ जाइए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था दीवार की तरफ, दीवार अपना कोई गुरु है, दीवार की तरफ जाओ। सिंपल क्रॉस लेग पोजिशन, सस्तिकासन, पूरे दोनों कंधे दीवार को टच कर लो पूरी तरीके से। तो ये चेस्ट ज्यादा सा तो ओपन होगी, जितना आप चेस्ट को ओपन रखोगे प्राणायाम के टाइम तो उतना आपका लंग्स और हार्ट ओपन होगा, और आपका प्राणायाम से जो भी ऑक्सीजन ज्यादा सा तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सेलुलर लेवल तक पहुंचेगा और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो ये इसे थोड़ी देर तक, 1 मिनट ऐसे सटा के रखो, यानी हमारे बॉडी को आदत हो जाती है, अपनी चेस्ट अपने आप अवेयरनेस आ जाता है और चेस्ट ओपन होती है। ऐसे थोड़ी देर रुकना जरूरी है। स्पाइन को ऐसे योर स्पाइन एलोंगेटेड योर नेक, सीधा रखो स्पाइन स्पाइन को, फिर दोनों कंधे को, फिर ऐसे होने के बाद, फिर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे करना है। हाँ, तो आपके घर में जो भी मैंने बताया था, दो बड़ी बेडशीट या सिंपल, हर एक को एवरीडे 10 मिनट ऐसे डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आप घर में जो भी पिलो नहीं, सिंपल बेडशीट ले लो, डबल बेडशीट काफी बड़ी रहती है, तो उसके सहारे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। मम्मी हाँ, तो इसको इसे स्क्वायर में डालेंगे इस तरीके से, फिर एक के ऊपर एक ऐसे दो बेडशीट आपको रखनी है, वो एवरीडे करो तो आप उसको समझ में आएगा कि आप कितने एनर्जेटिक फील करते हो। ऐसे स्क्वायर में आप कर सकते हो इस तरीके से। तो ये दोनों बेडशीट ब्लैंकेट एक दूसरे के ऊपर रखना है, मटेरियल थोड़ा स्टिफ चाहिए। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद आपको दिख रहा है ना, जानबूझ के घर की जो चीजें आप जुगाड़ कर सकते हो वही सब लाए, यानी आपको भी घर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने छोटे बड़े पिलो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी कॉटन पिलो लोगों के घर में अवेलेबल नहीं है, तो आप घर की चद्दर सबके घर में अवेलेबल है, तो ये सब आप कर सकते हो इस तरीके से। सिर के नीचे तो आपको जब भी बैठना है, सिर के ऊपर लेटना है, शोल्डर ऊपर आना चाहिए और गर्दन इसके नीचे, शोल्डर इसके ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरीके से बैठ के धीरे धीरे अभी चेस्ट ओपन हो, ये अपना ले लो, धीरे धीरे सांस लेनी है। राइट लेग स्ट्रेट, देन लेफ्ट लेग एक्सटेंड द हील टोस टुवर्ड्स योर पैरेंट्स, जो भी अपने पास, और धीरे धीरे सांस लेनी है। चेस्ट ब्रीदिंग जितना स्लो ले सकते हो उतना स्लो लेने की कोशिश करो। स्लोली फुली डीपली इनहेल, धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस तरीके से धीरे धीरे 10 मिनट। जिनको लोअर बैक में पेन है, पेट सीधे नहीं करते आते, उन्होंने पेन ये पेट पेन किए तो भी चलेगा, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। धीरे धीरे सांस लो, शुरू में नॉर्मल इनहेल लॉन्ग एक्सहेल कर रहे हैं हम, हमेशा 24 घंटे जो नॉर्मल लेते हो, नॉर्मल इनहेल लॉन्ग एक्सहेल, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, नॉर्मल लेना है।
धीरे धीरे सांस छोड़नी है। इसमें पेट के मसल सब रिलैक्स होते हैं। ऐसे 6 बार करने के बाद लॉन्ग इनहेल नॉर्मल एक्सहेल, यानी धीरे धीरे लेनी है, नॉर्मल छोड़ना है, जैसे हम 24 घंटे छोड़ते वैसे। लॉन्ग इनहेल नॉर्मल एक्सहेल, स्लोली फुली डीपली इनहेल देन नॉर्मल एक्सहेल, नॉ लॉन्ग इनहेल नॉर्मल एक्सहेल। इसमें आप सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन भी कर सकते हो। ये अलग अलग जो वेरिएशन दिखा रहे हैं ये सभी चलेंगे। इसको सुप्त स्वस्तिकासन, योगा के लैंग्वेज में सुप्त स्वस्तिकासन बोलते हैं। सिंपल साधी मांडी डालने के। अभी लॉन्ग इनहेल लॉन्ग एक्सहेल, धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। पहले थोरैसिक स्थिति, स्लोली फुल्ली डीपली इनहेल केस्टर, स्लोली फुल्ली डीपली एक्सहेल चेस्ट डाउन, इनहेल चेस्ट अप, एक्सहेल चेस्ट डाउन। इसमें क्रॉस लेग पोजीशन चेंज करना है, ऊपर का पैर नीचे, नीचे का पैर ऊपर। इसमें आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कर सकते हो। 5 मिनट थोरेसिस ब्रीदिंग, 5 मिनट एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दोनों के बेनिफिट अलग अलग है। ये सुप्त स्वस्तिकासन है, इसमें धीरे धीरे ब्रीदिंग करना है। ये सभी लोग कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन भी। इसमें चेस्ट ज्यादा से ज्यादा ओपन होती है, हमारा डायफ्राम है वो भी ओपन होता है, और डायफ्राम का ब्रीदिंग भी ज्यादा इंप्रूव होता है, वो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। डायफ्राम एक मसल्स है, ब्रीदिंग मसल्स। इसमें आप सुप्त बद्ध कोणासन भी रख सकते हो, मैंने लास्ट टाइम बताया था बटरफ्लाई पोजीशन, इसके भी काफी अच्छे बेनिफिट है। लेकिन बहुत लोगों को ये जमता नहीं है, तो फिर आप सिंपल साधी मांडी डालो। नहीं तो सुप्त बद्ध कोणासन जिनको आता है वो ऐसे भी कर सकते हो, और पेट से ब्रीदिंग लेना है। अभी फिर से हम लोग नॉर्मल इनहेल लॉन्ग एक्सहेल, नॉर्मल इनहेल लॉन्ग एक्सहेल। नॉर्मल इनहेल लॉन्ग, इसमें भी आप दोनों हाथों की घड़ी अपने सिर के ऊपर, पदस्थ ओवर योर हेड, नॉर्मल इनहेल लॉन्ग एक्सहेल। अभी लॉन्ग इनहेल नॉर्मल एक्सहेल पेट से लेना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। लॉन्ग इनहेल, धीरे धीरे सांस लो और नॉर्मल छोड़ो, जैसे हम 24 घंटा छोड़ते रहते हैं। धीरे धीरे सांस लो, नॉर्मल छोड़ो, स्लोली फुल्ली डीपली इनहेल देन नॉर्मल एक्सहेल। ऐसे फिर ऊपर का भी हाथ चेंज करना है, ऊपर का हाथ नीचे, पहले चेंज द हैंड पोजीशन, पेट का नॉर्मल इनहेल लॉन्ग एक्सहेल। अभी धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, स्लोली फुल्ली डीपली इनहेल, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल टमी अप, एक्सहेल टमी डाउन। पूरा ध्यान अपने सांसों के तरफ, नेवल रीजन की तरफ। धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, रिलैक्स। इससे पैर बेंड करने हैं, दोनों हाथ बोथ पास ऑन योर एब्डोमिनल, टर्न टू राइट साइड, थोड़ी देर रुकना है, देन स्लोली गेट अप, उठ के बैठना है। तो ये आप सभी लोग कर सकते हैं, इसे पहले प्रैक्टिस करो आपको। तो ये सबसे साइंटिफिकली इसकी काफी अच्छे बेनिफिट है। तो इसका 10 मिनट प्रैक्टिस करना सभी के लिए जरूरी है, ये आपके घर पे अवेलेबल है। फिर लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप पिलो और ये भी यूज कर सकते हो, पिलो छोटा लोट, तो वो भी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। दो ऐसे कॉटन के अगर स्टील पिलो है, आप भगवान के भी ले सकते हैं, स्टील पिलो लेना है, और 5 5 उंगलियों के डिस्टेंस से पिलो के ऊपर
किलो रखना है, पांच उंगलियों के डिस्टेंस से। इसके ऊपर ये भी रख सकते हो आप, इसके ऊपर इतना छोटा बेडशीट, फिर इस तरीके से उसकी पूरी मांडी हो जाती है, इस तरीके से करना है। और फिर इसके ऊपर भी आप कर सकते हो, जिनको लोअर बैक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उन्हें काफी कम हाइट ली तो चलेगा, जिनको लोअर बैक पेन है उनके लिए। तो इसमें भी हम सुप्त वीरासन, अभी उज्जैन 1 2 3, तो इसलिए अलग तरीके के प्राणायाम है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे वैसे ही लेटना है, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, लेट के ही करना है। इस तरीके से हमारे लोअर बैक को पिलो के यहाँ पे टच कर लो, टेलबोन, देन छाती पेट को ऊपर उठाना है, लिफ्ट योर चेस्ट, लिफ्ट योर एब्डोमिनल, धीरे धीरे एक वर्टिब्रा करते हुए स्लोली ओपन द चेस्ट वेल, चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर पीछे लेने हैं, दोनों हाथ जमीन की ओर, अंगूठा जमीन की ओर टच करो, एक्सटेंड द ही टोस्ट टुवर्ड्स यू। दूसरा पैर सीधा रखिए, ये दीवार के पास भी कर सकते हो, अगर आपका पैर ऐसे टिल्ट होता है तो। इसमें फिर से थोड़े से ब्रीदिंग करनी है, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। तो इसमें उज्जैन वन यानी नॉर्मल इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, तो लेते टाइम हम लोगों को नॉर्मल लेना है। और आप आंखों के ऊपर आप कुछ नैपकिन वगैरह रखते हो, ये ऐसे आंखों की पट्टी भी मिलती है, तो इसमें काफी अच्छे बेनिफिट है, आपका पूरा ध्यान आपके सांसों की तरफ रहेगा। और आजू बाजू शोर है तो कान में आप कॉटन भी लगा सकते हो इस तरीके से, तो इसमें हमारा एकदम माइंड पीस हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, एकदम शांति, पहले सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है और प्राणायाम की ज्यादा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो इस तरीके से आप करके देखो, इसकी अनुभूति लो और इसको एंजॉय करो। नॉर्मल इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, फिर लॉन्ग इनहेल, धीरे धीरे सांस लो, नॉर्मल एक्सहेल, ऐसे 2 2 मिनट करना है, धीरे धीरे सांस लेना है, स्लोली फुल्ली डीपली, पूरे सांस लेते टाइम पूरी छाती को फुला लेना है, एक एक वायु कोश को फुला लेना है, और सांस छोड़ते टाइम एक एक वायु कोश से पूरा खाली करना है, पूरा सांस, पूरी हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो पूरा बाहर निकालना है। तो इस तरीके से जितना आपको स्लो करते हैं उतना स्लो करना है, और दोनों होने के बाद फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। शुरू में लेते टाइम लंबी गहरी लेनी है, छोड़ते टाइम नॉर्मल छोड़ना है, और बाद में छोड़ते टाइम लंबी गहरी सांस छोड़नी है, लेते टाइम नॉर्मल लेना है, और उसके बाद लेते टाइम नॉर्मल लंबी गहरी सांस लेनी है, स्लोली फुल्ली डीपली इनहेल, देन स्लोली फुल्ली डीपली एक्सहेल। इस तीन तरीके से आपको करने से काफी अच्छा बेनिफिट होता है। कम से कम 10 मिनट करो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आपने 15 20 मिनट आधा घंटा किया तो भी चलता है। फिर फिर से छोड़ते टाइम दोनों पैर बेंड करना है और आंखों पट्टी पट्टी करके राइट साइड पे टर्न करना है, देन स्लोली ये करना है, धीरे से उठ के बैठना है। इसमें मैंने लास्ट टाइम सुप्त बद्ध कोणासन भी बताया था, सुप्त बद्ध कोणासन का भी काफी अच्छा बेनिफिट है। एक्चुअली हमारा जो सही ब्रीदिंग है तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट से ब्रीदिंग करना चाहिए जैसे बच्चे करते हैं, तो सुप्त बद्ध कोणासन में भी हम कर सकते हैं। तो सभी के अलग अलग ज्यादातर बेनिफिट एक जैसे ही है, लेकिन थोड़े बहुत अलग बेनिफिट भी है साइंटिफिकली। तो फिर आप सुप्त बद्ध कोणासन भी करो, लेकिन यानी बद्ध कोणासन यानी बटरफ्लाई, सुप्त यानी सोना है। तो इसमें आप अगर पेट को नहीं पास रख सकते हो तो फिर इसमें आप बेल्ट या दुपट्टा यूज कर सकते हो, पिछले बार बताया था मैंने, ऐसे पेट के नीचे से लेके टेलबोन के आगे ऐसे टाइट करना है, और इस तरीके से आप दीवार को सटा के भी फिर से टेलीफोन को सटा के एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे हम। टेलीफोन को हाइट के यहाँ पे टच करना है, देन स्लोली एक वर्टिब्रा टच करते हुए धीरे धीरे जाना है,
शोल्डर डाउन, रोल बैक, पीछे की तरफ चेस्ट को ओपन करना है। इसमें अपना हार्ट और लंग्स ज्यादा ओपन होता है और ब्रीदिंग बहुत अच्छी तरीके से होता है। फिर से आप आंखों के ऊपर पट्टी ले सकते हो, दोनों हाथ जमीन की ओर, थंब साइड रिस्ट टुवर्ड्स द फ्लोर। अभी फिर से नॉर्मल इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है इसमें। नॉर्मल इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। अभी इसमें काफी लोगों के पैर ऐसे रहते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, तो यहाँ पे पैर के नीचे आपको पिलो, चद्दर कुछ भी रखना है, क्योंकि अनकंफर्टेबल पोजीशन है, तो आपका ध्यान पूरा शरीर की ओर रहेगा और ब्रीदिंग की ओर कम रहेगा। तो आपको जितना हो सके उतना कंफर्टेबल पोजीशन लेनी चाहिए, इसके नीचे आप कुछ भी रख लो। तो मेरे पैर नीचे जा रहे हैं, सपोज बहुत लोगों के पैर नीचे नहीं जाएंगे, तो आप उस तरीके से आप आपकी जो भी है वो सब मांडी कर सकते हो, स्ट्रक्चर वैसे आप तैयार कर सकते हो। नॉर्मल इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, या गर्मी के सीजन में भी करोगे तो आपके पेट की जो भी मसल फाइबर है वो रिलैक्स होंगे और आपकी गर्मी की तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। नॉर्मल इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, फिर लॉन्ग इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसमें भी आप अगर ये स्थिति में नहीं रुक सकते हो बटरफ्लाई में, तो इसमें भी आप सिंपल क्रॉस लेग कर सकते हो, सिंपल सादी मांडी, सुप्त शक्ति का सर। फिर इसमें भी आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। दोनों हाथ ऊपर लेना है, बोथ आर्म और हेड, बद्ध, ये सभी वेरिएशन करना काफी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग मसल्स पे अपना काम होता है और ब्रीदिंग सभी सेल तक पहुंचता है। ऑक्सीजन लेवल चेंज योर हैंड पोजीशन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग चालू रखो, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। स्लोली फुल्ली डीपली इनहेल एंड स्लोली फुल्ली डीपली एक्सहेल। ऐसे आपको हर दिन 10 मिनट करना है। फिर रिलैक्स, फिर बेंड योर लेग, टर्न टू राइट साइड, राइट साइड में टर्न करना है, देन स्लोली गेट अप। ऐसे इसमें हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी हमारे काम डाउन से नर्वस सिस्टम में वो एक्टिव होती है। हम राइट साइड से टर्न करते हैं तो वो एक्टिव ही रहती है, लेफ्ट नोस्टर यानी हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से हमारा एकदम मन शांत हो जाता है, ब्रेन भी शांत हो जाता है, तो शांति रहना चाहिए, इसलिए हम राइट साइड में सबके पीछे घिसते हैं। तो इस तरीके से ही करो। अभी जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, तो जिनको भी ज्यादातर ऐसे जरूरी नहीं कि प्रेग्नेंट के लिए, हर एक के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल है, सीनियर सिटीजन हर एक के लिए, कि आप प्राणायाम वगैरह कुछ भी करते हो जीवा के सारे हाइट लेके करो। तो मैं आपको दिखाती हूँ हाइट लेके, यहाँ पे बैठना है, के ऊपर बैठना है। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम, ये होने के बाद थोड़ा चेस्ट ओपन हो जाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ब्रीदिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो अपने बेबी के लिए भी ब्रीदिंग करती है और अपने लिए भी ब्रीदिंग करती है। तो स्लो कम रेशियो में किया तो भी चलेगा, यानी 3 अकड़ों में लिया, 3 सेकेंड में लिया, 6 सेकेंड में छोड़ा तो भी चलेगा। काफी जगह पे बोलते हैं 5 सेकेंड में लेना चाहिए, 10 सेकेंड, उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे आपकी कैपेसिटी है उस तरीके से आप करो, 1:2 का रेशो रखना है, यानी अगर आप 4 सेकेंड में लेते हो तो 8 सेकेंड में छोड़ना है। तो आपको जो सुटेबल है, रेशो इम्पोर्टेंस नहीं कि बड़ा रेशो लेना जरूरी नहीं है, हर एक के पीछे साइंटिफिक है रीजन और ग्रंथों में भी वही बोला गया है। तो छोड़ने का रेशो हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। तो आपका अगर 4 में ले रहे हो, 6 में छोड़े तो ये गलत है। अगर आपको 6 में छोड़ते आ रहा है तो आप 3 में लो, 1:2। तो पीठ को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए,
ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा भी बोलते, ध्यान मुद्रा भी बोलते, ध्यान मुद्रा भी बोलते। इंडेक्स फिंगर और थंब को जस्ट ऐसे टच करना है, ये टच करके अपने रीज के ऊपर रखना है, रीज और गर्दन के बीच, और राइट आर्म का प्रणव मुद्रा, दोनों उंगलियां अपने सभी की तरफ, ये प्रणव मुद्रा। फिर से लास्ट बार फिर से बताऊंगी ये सभी मुद्राएं। तो ये राइट नोस्टल पे रखना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, ये सभी को मालूम है, अनुलोम विलोम बहुत कॉमन है, हमें एक ही राउंड करने वाले हैं। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज को कौन से प्राणायाम जरूरी है और सबके लिए काफी अच्छा है, तो ये प्राणायाम आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एनर्जी लेवल काफी बढ़ेगा। लेफ्ट से लेना है धीरे धीरे, इसमें 1 2 3 राइट से छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 राइट से लेना है, 1 2 3 लेफ्ट से छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 फिर से देखिए, लो धीरे धीरे लेना है, स्लोली फुली डीपली इनहेल देन एक्सहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट पे छोड़ना है, स्लोली फुली डीपली एक्सहेल, फिर से लंबी गहरी सांस लो और लंबी गहरी सांस छोड़ो, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। तो ये सबको पता है, अनुलोम विलोम प्रेगनेंसी में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरा प्राणायाम, जिनको गर्मी की बहुत तकलीफ है, अभी तो बारिश का मौसम है, ठंडी है, लेकिन जो फेब्रुआरी महीने से काफी बार गर्मी चालू हो जाती है और काफी लोगों को एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है। एसिडिटी और गर्मी में आप शीतकारी कर सकते हो, शीतली और शीतकारी। तो शीतली और शीतकारी मैं आपको दिखाती हूँ, काफी लोगों को इसकी ज्यादा अच्छे बेनिफिट है, अपने बॉडी के अंदर एकदम कूलिंग महसूस होता है। जिनको भी एसिडिटी प्रॉब्लम है वो सभी लोग कर सकते हो। तो अपना जो जीभ है उसकी काकी मुद्रा बनानी है, इस तरीके से गोल बनाना है जीभ को, और अगर शुरू में ये ऐसे गोल नहीं बनती है जीभ, तो फिर वो आप पेन रख के आप आईने में उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो अपने आप आपकी जीभ ऐसे गोल हो जाएगी। और मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है, शीतली प्राणायाम। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। इससे हमारे जो एसिडिटी का प्रॉब्लम रिलीज होता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और एसिडिटी के जो भी प्रॉब्लम्स के, और गर्मी के दिनों में आप सभी लोग ये कर सकते हो। और जिनको ये नहीं जमता है शीतली, तो आप शीतकारी भी कर सकते हो। शीतकारी यानी दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर सटा लेने और जीभ अंदर से बाहर निकालनी है, और इसमें भी मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। एक्चुअली साइंटिफिकली हम नोज नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, लेकिन ये जो प्राणायाम है इसमें हम मुंह से ले रहे हैं और नाक से छोड़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 बार ही करना है, इससे ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, ये सभी प्राणायाम प्रेग्नेंट लेडीज और बाकी जिनको जो प्रॉब्लम वो लोग भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप उज्जयी कर सकते हो। उज्जयी प्राणायाम अभी सभी जगह पे अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम घेरंडा तेता हठ प्रदीपिका में जैसे दिया है उस तरीके से मैं आपको वेदों में जैसे वो वैसे मैं दिखाऊंगी। तो उज्जयी करने से हमारे थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, गले के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को उज्जयी प्राणायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सभी ने किया, तो ये तो सभी किसी के लिए वर्ज नहीं है, सभी उज्जयी प्राणायाम सभी लोग कर सकते हो। तो इसमें हम लोगों को जब सांस लेते हैं तो धीरे से सांस लेनी है, पूरे गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है, श्रिंक करना है, तो वॉइस पाइप और वॉइस पाइप के बाहर से आएगा, इसमें बड़ा वॉल्यूम नहीं आता है, हमारे बाजू में कोई बैठा है तो उसको ही सुने आएगा, नहीं तो हम लोगों को सुने आएगा। तो धीरे से दोनों लेते टाइम बोथ नोस्टल से लेना है, गले को श्रिंक करना है बोथ नोस्टल से, और छोड़ते टाइम लेफ्ट से छोड़ना है। तो दोनों नोस्टल से लो, गले को श्रिंक करो, छोड़ते टाइम लेफ्ट से छोड़ो, फिर से गले को श्रिंक करो,
एक्चुअली वन टू वन थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन ये जो आवाज है तो ये कोई एक पाइप है, सपोज इसे नली का पाइप है, उसको हमने दबाया तो उसमें से हवा हवा का जैसे आवाज आता है ना, वैसे आवाज आता है, काफी एकदम धीमी आवाज आती है। तो ये बहुत वॉइस पाइप से आती नहीं, जो भ्रामरी और ओमकार में जो बड़ी आवाज आती है ना, वो ये उज्जैन में नहीं आती, तो इसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया कि दोनों बोथ नोस्टल से लेना है और छोड़ते टाइम लेफ्ट से छोड़ना है, तो इसमें हमारे गले के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और इम्यूनिटी पावर काफी हद तक बढ़ती है। फिर इसके बाद हम भ्रामरी भी काफी अच्छा है, भ्रामरी से हमारे अंदर से आनंद महसूस होता है, भ्रामरी से काफी बेनिफिट है, भ्रामरी के हर एक जन 2 साल का बच्चा भी कर सकता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी मेमोरी अच्छी होती है, हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए, सभी के लिए भ्रामरी काफी अच्छा है। नींद नहीं आती रात में तो उसके लिए भी अच्छा है। तो लंबी गहरी सांस लेनी है तो सिंपल आप बहुत सारे वेरिएशन, सिंपल ध्यान मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हो। लंबी गहरी सांस लेनी और मकार का ध्वनि अपने कंठ से निकालना है, वॉइस पाइप से निकालना है। सॉरी, ओमकार, ओमकार और भ्रामरी दोनों के बेनिफिट लगातार एक जैसे ही है, आप ओमकार भी कर सकते हो, भ्रामरी भी कर सकते हो। तो लंबी सांस लेनी और मकार का ध्वनि, इसमें आप एक हाथ अपने पेट के ऊपर, एक हाथ अपने तालू के ऊपर या क्राउन के ऊपर भी रख सकते हो। फिर दोनों इंडेक्स फिंगर अपने कान के अंदर भी रख सकते हो, फिर षणमुखी मुद्रा में भी कर सकते हो, दो उंगलियां अपने फोरहेड के ऊपर इस तरीके से षणमुखी मुद्रा। भ्रामरी प्राणायाम काफी अच्छा प्राणायाम है। फिर अभी ये सभी प्राणायाम ऑल प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है और आप सभी भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको मुद्राएं दिखाऊंगी कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सी मुद्रा प्रेगनेंसी में करना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले भैरवी मुद्रा, तो भैरव नाभि के यहाँ पे हमारे लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम रखना है और लंबी गहरी सांस लेनी है, 5 बार लंबी गहरी सांस छोड़नी है। भैरवी मुद्रा से हमारी एनर्जी लेवल बैलेंस में रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम सॉल्व होते, मूड स्विंग, उनको जो बार बार मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व होता है। तो ये आप कम से कम 5 बार लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट दोनों हाथों से करें तो 10 मिनट इनफ है, 10 मिनट भी किया तो चलता है, इसके काफी अच्छे बेनिफिट है भैरवी मुद्रा के। इसके बाद आप योनि मुद्रा कर सकते हो, तो योनि मुद्रा में सभी उंगलियां एक दूसरे को टच करनी है, तो इंडेक्स फिंगर और थंब इस तरीके से। तो योनि मुद्रा सिर्फ वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए, या आप पीरियड्स के टाइम भी कर सकते हो, मोनोपोज का कुछ प्रॉब्लम है तब भी कर सकते हो, अपने नेवल रीजन के ऊपर ऐसे करके, और प्रेगनेंसी में हर दिन आप करो, आपके गर्भाशय की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है, नॉर्मल ब्रीथिंग भी किया। आपके पास समय नहीं है तो आपने सांसों की तरफ नहीं भी ध्यान रखे, सिर्फ मुद्रा की तो भी चलता है, ऐसे जरूरी नहीं कि सांस करना ही है। तो जिस तरीके से आपके पास टाइम अवेलेबल है, जिस तरीके से आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो ऐसे कर पढ़ते पढ़ते भी आप ये मुद्रा कर सकते हो, काम करते करते भी कर सकते हो, बैठे बैठे टीवी देखते हुए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये योनि मुद्रा देन
हम हृदय मुद्रा करेंगे। आजकल काफी यानी डॉक्टर लोग भी बोलते हैं बच्चे को ब्लड अच्छे से नहीं सप्लाई हो रहा है, उसके लिए मेडिसिन देते हैं। तो हृदय मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा है हार्ट से। तो ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है और ये थंब के नीचे इसे लगाना है इंडेक्स फिंगर। तो दोनों हाथों से तीनों पॉइंट इस तरीके से टच कर लेना, और ये लिटिल फिंगर इस तरीके से, ये हृदय मुद्रा है, ये दोनों हाथों की हृदय मुद्रा है। तो हृदय मुद्रा आपको, आप गूगल भी कर सकते हो, इंटरनेट पे सभी तरफ अवेलेबल है सभी मुद्राएं इस तरीके से। तो हृदय मुद्रा भी आप 5 टाइम्स कर लेना है कम से कम लंबी के साथ, और ज्यादा सर ये प्राणायाम जो मैंने सुपाइन पोजिशन के दिखाए इसमें भी आप अलग अलग मुद्रा लगा सकते हो, जैसे आपको प्रॉब्लम है उस तरीके से आप कर सकते हो मुद्रा। नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। हृदय मुद्रा के बाद हम प्राण मुद्रा सीखेंगे। तो प्राण मुद्रा में दोनों पीछे की उंगलियां और ये फर्स्ट, ये इस तरीके से, ये प्राण मुद्रा काफी अच्छी मुद्रा है। तो ये एवरग्रीन यानी एनर्जी बढ़ती है, हम लोगों को डलनेस आ रहा है, आलस आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा लोनलीनेस फील हो रहा है, तो सबके लिए काफी बढ़िया है। तो आप ये प्राण मुद्रा कर सकते हो। तो आप ये प्राणायाम में भी काफी देर तक कर सकते हो, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी सॉरी कैसे जल्दी से थकान आती है, उसमें एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तो उसके लिए प्राण वायु की भी, ये प्राण मुद्रा करने से प्रेग्नेंट लेडीज को और उसके बेबी को प्राण वायु अच्छी तरीके से सप्लाई होता है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये दिन भर में एटलीस्ट 30 मिनट कभी भी करो, 10-10 मिनट करके किया तो भी चलेगा। तो ये करो आप प्राण मुद्रा, ठीक है। और फिर बहुत लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और काफी एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी में भी यानी प्रेग्नेंट लेडी जलोदर मुद्रा कर सकती है। तो जलोदर मुद्रा में ये ऐसे लिटिल फिंगर को इस तरीके से दबाने से ये जलोदर मुद्रा है। आप ये सब गूगल पे भी देख सकते हो, ये मुद्रा के नाम याद रखो और डालो आप, तो आपको आ जाएगी कौन सी मुद्रा है। ये जलोदर मुद्रा सभी के लिए हाइपर एसिडिटी के लिए बेस्ट है। तो विद इन यानी 10-10 मिनट किया तो भी आपको अच्छे से रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी आखिरी मुद्रा है, तो ये आखिरी मुद्रा प्रेग्नेंट लेडीज को जो ड्यू डेट दी है, डिलीवरी की डेट दी ना, उसके सिर्फ 15 दिन पहले ही करना है, याद रखो 15 दिन पहले शुरू करना नहीं है। तो ये रूल एकदम कंपलसरी है। तो 15 दिन पहले से ही चालू करो अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा यानी ऐसे, तो ये अपान मुद्रा आपको करनी है 15 दिन पहले से। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी काफी बढ़ते हैं इसमें, और आपकी डिलीवरी स्मूथ होगी, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये सिर्फ 15 दिन पहले शुरू करना है, उसके पहले करना नहीं, ये रूल आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अपान मुद्रा ये सभी मुद्राएं प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है। और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो बोलिए। अभी गर्भ संस्कार के बारे में आपसे कुछ मैं बात करना चाहती हूँ, पिछली बार मैं यस, हाँ इसमें कुछ बहुत ही पॉइंट सुंदर तरीके से आपने मुद्राओं के बारे में, प्राणायाम के बारे में और कुछ आसन बताए। एक जिज्ञासा मैं अपनी पहले रख लूं, बात करूं। जो आपने शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम बताया, इसमें हम आंतरिक कुंभक के साथ भी कर सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली कुंभक लगाना है ना, बाहर बताते हैं लेकिन कुंभक लगाना पूरा धीरे धीरे सीखना पड़ता है। तो वो थोड़ा कैसे है, प्राणायाम ग्रंथों में लिखा है कि प्राणायाम करना, प्राणायाम से सभी रोग चले जाते हैं, सभी रोगों के ऊपर प्राणायाम में बहुत अच्छा रामबाण उपाय है। लेकिन इसमें थोड़ी भी गलती हुई तो काफी चीजें, काफी डिसीज पैदा भी हो जाते हैं वात रिलेटेड। तो ये जो कुंभक है ये तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उड़ियान बंदर लगाना पॉसिबल नहीं है पेट के अंदर। और अभी का आज का और ये जो है तो 1-to-1 यानी आमने सामने हुआ तो ज्यादा अच्छा है। पहले थोड़ी प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे एक एक कुंभक लगाना चाहिए, और फिर बाद में हम लोगों को तीनों लगा के फिर करना चाहिए, नहीं तो फिर
अगर ऐसे सिंपल भी किया तो आपको उसके 70-80% बेनिफिट मिलते हैं। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं, जो जो मैंने बताया ना उसमें कोई रिस्क नहीं। बिल्कुल लगाने में गलती हुई तो बहुत बड़ी रिक्शा हो सकती है, तो इसलिए वो आमने सामने आपके वहां पे जो भी योगा टीचर है उनके सामने बैठ के सीख के करो तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब यस। गर्भावस्था में हम ध्यान जो करते हैं तो डीप दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ये तो कोई भी कर सकता है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना और श्वास को देखना, दीर्घ श्वास का प्रेक्षा का प्रयोग हम जनरली करते हैं, तो ये ध्यान सभी लोग कर सकते हैं आप, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मेडिटेशन आप करा सकते हो मैडम, 5-7 मिनट का मेडिटेशन कोई हो तो करा सकते हो। ये 10 मिनट में थोड़े गर्भ संस्कार के बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बहुत जरूरी है आज के तारीख में सबको सुनना बहुत जरूरी है। तो गर्भ संस्कार ये क्या है, सभी लोगों को इसके बारे में अभी अवेयरनेस नहीं, कैसे हम हमारे कल्चर से थोड़ा दूर दूर, हमारा जो सनातन धर्म है तो उससे हम थोड़ा अलग हो रहे हैं। अभी एजुकेटेड मॉडर्न लाइफ कारपोरेट, इसके वजह से हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा 5 मिनट आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो गर्भ संस्कार यानी क्या है, तो ये कोई नई चीज नहीं, ये हमारे वैदिक काल से चली आ रही है, लेकिन अभी लोगों की लाइफ स्टाइल इसके वजह से लोग भूल रहे हैं, हमारे सब वेद पुराण सभी चीजों को, हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो इसमें कैसे है, गर्भ प्लस संस्कार। तो गर्भ यानी मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम से तैयार होता है, उसमें जब आत्मा आती है तो उसको गर्भ बोलते हैं। और संस्कार यानी हम उसको जो मॉडिफिकेशन, उसको गर्भ के अंदर जो संस्कार देते हैं ना, तो उसको संस्कार। तो गर्भ संस्कार आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक को एक एक ही बच्चा हो रहा है काफी, यानी तो वो भी उसके तरफ से हर इंसान चाहता है कि मेरे से मेरा बच्चा फिजिकली मेंटली बौद्धिक हर एक चीज से मैं बेटर हो, यानी हर एक का ये सपना रहता है, हर माँ बाप का ये सपना रहता है। तो ये गर्भ संस्कार जो है, हमारे सनातन धर्म में 40 संस्कार है, तो 40 संस्कार में से 16 सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें भी फर्स्ट संस्कार ये हमारा गर्भ संस्कार है। हमारे पुरातन वेद में उसमें भी बताया गया है कि जब प्लानिंग करते हैं, जो भी कोई भी कपल प्लानिंग करते हैं, तो गर्भ संस्कार के 3, हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 3 महीने पहले से हम लोगों को तैयारी करना जरूरी है। तो आप जब हमारे वेद पुराण जब पढ़ोगे तो इसके बारे में पूरा नॉलेज इंटरनेट गूगल पे भी अवेलेबल है, तो आप उसको देखो, तो उसके वजह से आपके जो भी सपने वो पूरे होंगे। हम हर एक जन ऐसे ही चाहते हैं हमारे जो भी संतान है वो उस देश से अच्छी तरीके से हो, हमसे बेटर वर्जन हो, ये हर एक का एक सपना रहता है। फिर 3 महीने पहले से ही जो उमन से उसने अपने आहार विहार इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। पहले के जमाने में सिर्फ पुरुष लोग ही मांस मदिरा इसका सेवन करते थे, लेकिन ये जो मॉडर्न लाइफ आ रही है तो इसमें हर एक नारी भी अभी कारपोरेट लाइफ में वर्किंग है, तो नारी जो वुमन से वो भी ये सब सेवन करने लग गई। तो जब भी बच्चा कंसीव होता है तो उसको 1 महीने बाद ही समझता है कि बच्चा कंसीव हुआ है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब से उसको अगर बच्चा चाहिए तो 3 महीने पहले से उसने अपना आहार सात्विक आहार लेना चाहिए, फिर योगा प्राणायाम सब करना चाहिए, और फिर थोड़ा सा पूजा पाठ जो अपने है, थोड़ा अच्छे विचार भी अच्छे रखने चाहिए, तो उसका जो होने वाला बेबी है तो फ्यूचर में अच्छा होगा और हमारे राष्ट्र के हिसाब से भी अच्छा होगा। तो जो भी प्रेग्नेंट होने वाली लेडी अगर वो लेती है तो इसका इतना बच्चा जब होता है तो उसके दूसरे तो उसके उसके ऊपर इतना साइड इफेक्ट में काफी कम समय लेते हुए आपको साइंटिफिकली बताती हूँ, तो उसको जो ऐसे अल्कोहल वगैरह लेती जो लेडी, तो उसके जो बच्चा पैदा होता है उसको न्यूरोट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, फिर उसमें वो बेबी काफी उसमें उसको डेंजरस यानी उसमें बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, आगे जाके हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज का आप अवेयरनेस रखो, फिर उसके बाद और सोसाइटी के लिए वो बच्चा बेटर फ्यूचर भी नहीं पैदा कर सकता है। तो अगर कोई प्लानिंग करता है तो पहले 3 महीने पहले से अपना रूटीन सही तरीके से करो, और आहार विहार के तरफ सभी तरफ ध्यान रखो, और ये तपश्चर्या है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है और श्रद्धा रख के करनी है। और 9 महीने उसको कुछ सोचना नहीं है, 9 महीने तक वो अपने बेबी के बारे में ही सोचेगी, अपने बारे में ही सोचेगी,
अभी इसमें आपको सभी को मालूम है, ये बहुत अपने पुरातन काल से सतयुग से चला रहे हैं। आपका एग्जाम्पल भी मालूम है कि अभिमन्यु, अष्टवक्र, फिर भक्त प्रह्लाद। अभी भक्त प्रह्लाद के बारे में थोड़ा 1 मिनट में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। सबको ये स्टोरी है, सबको पता है। तो भक्त प्रह्लाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा रहता है, तो हिरण्यकश्यप के बड़े भाई को भगवान मार देते हैं। तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो ठान लेते हैं वो लोगों से कि वो यानी वो ठान लेते हैं कि अभी हम देव जो भी भगवान है वो सबका मैं संहार करूंगा, सब भगवान को मार डालूंगा। इसे उसको वो बहुत उसको गुस्सा रहता है भगवान के, सभी भगवान के तरफ से हिरण्यकश्यप को। तो जब उसकी वाइफ कयाधु वो प्रेग्नेंट होती है, तो सभी भगवान को इंद्र को खासा डर लगता है कि अभी क्या करेंगे, कयाधु प्रेग्नेंट हो गई, इनका बच्चा आ गया, तो हमारे देव कुल को अभी ये काफी रिस्क है। तो फिर बाद में तो कयाधु के ऊपर वो यानी आक्रमण करना, यानी इंद्र भगवान जब रहते तो कयाधु के ऊपर वो शस्त्र उठाते। तो फिर नारद मुनि बोलते प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर शस्त्र उठाना गुनाह है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। तो नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में लेके जाते हैं और फिर आपको तो सबको पता है, फिर आश्रम बोले मैं आपको इंद्र को प्रॉमिस करते कि ये जो बच्चा आप जैसे सोच रहे वैसा वो पैदा होने वाला नहीं है, ये अलग तरीके से पैदा होगा, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो नारद मुनि इंद्र भगवान को प्रॉमिस करते, फिर आपको आगे की स्टोरी पता है कि वो अपने आश्रम में लेके जाते, फिर दिन भर उसको वेद उपनिषद मंत्र चैंटिंग ये सब से, यानी भक्त प्रहलाद ऐसे वो भगवान को कितने प्रिय थे वो भी आपको पता है कि वो कैसे जन्म आए थे। तो इसके ये आप वो यानी अपने सनातन धर्म वैदिक काल से गर्भ संस्कार चलते आ रहा है। इन शॉर्ट ये सभी बातें हैं। तो हम लोगों को थोड़ा भगवान का नाम स्मरण ये करना भी जरूरी, किसी के टाइम नहीं है तो आप दिन भर सिर्फ नाम स्मरण करो मन में की मन में। 80% ब्रेन जो रहता है ना वो बच्चों क्या गर्भ के अंदर ही डेवलप होता है। तो आप गर्भ के अंदर बच्चे को जितना पढ़ा पाते हो उतना कोशिश करो कि गर्भ के अंदर कितना संस्कार दे सकते हो, उतना आप संस्कार देने की कोशिश करो, तो आपका बच्चा काफी अच्छा जन्म लेगा। तो काफी लोगों को कहता है ना लगता है कि काफी लोगों की गलत फहमी कि चौथे पांचवें महीने में बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, ऐसे नहीं है। जब बच्चा जब माँ प्रेग्नेंट होती है, वुमन प्रेग्नेंट होती है, तो ज्यादातर लेडीज को जब पीरियड्स नहीं आते तो 1 महीने के बाद पता चलता है कि मुझे बच्चा कंसीव हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब बच्चा प्रेग्नेंट होता है तो दूसरे दिन ही यानी बच्चा गर्भ हमारा जब हम प्रेग्नेंट यानी लेडी प्रेग्नेंट होती है सॉरी, तो दूसरे दिन ही उसका जो न्यूरल प्लेट है यानी न्यूरल ट्यूब और उसका स्पाइनल कॉर्ड वो तैयार होना चालू हो जाती है। तो हम लोग जब से हम लोगों को पता चला है कि हम प्रेग्नेंट है, जो भी लेडीज को पता चला है प्रेग्नेंट है, तो वो ये सब भगवान की चीजें वो कर सकती है। और अपने तरफ ध्यान रखना है, अपनी सोच अच्छी रखनी है, गुस्सा करना नहीं है, स्ट्रेस में रहना नहीं है, क्योंकि ये केविले धमनी सभी पेपर्स के ऊपर रिसर्च हुआ है लोनावला में स्वामी कुवेलानंद, कि अगर माँ स्ट्रेस में है, माँ का गुस्सा है, तो पूरा वो इफेक्ट अपने बच्चे पे होता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो आजकल के लाइफ में जो स्ट्रेस और टेंशन जो भी है वो फेस नहीं कर पाता है, वो बच्चा वो कंपटीशन में टिक नहीं पाता है। तो माँ को और सबसे ज्यादा बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा दुख तो माँ को ही होता है क्योंकि वो माँ से जुड़ा है, बाद में पिता को और परिवार के लोगों को दुख होता है। तो इसलिए माँ को हमेशा खुश रहना है, ये जर्नी जो है वो एंजॉय करनी है, और ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। यानी निसर्ग में हर एक यानी हर लेडी ज्यादातर ये प्रोसेस से निकलती है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों को ये नॉर्मल सोच के ये जर्नी को हर एक लेडीज को प्रेग्नेंट लेडीज को एंजॉय करना है और खुश रहना है। और हम ओम ओके धन्यवाद। अभी आपको कुछ पूछ अरहम सकते हो? ओम अरहम। ये अब बोलिए। सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही नई चीजें सीखने को मिली, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी, तो बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली और सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बस इतना ही मुझे बोलना है। ओम अरहम। इसका जो हमने पिछले सप्ताह जो हमने सेशन लिया था वो भी आप वीडियो आपने देखा होगा, नहीं तो उसको भी देखिएगा, उसमें भी बहुत सी बातें बताई गई थी उस दिन भी, तो आप दोनों वीडियो देखिएगा जी और जी अपने परिजनों के साथ वीडियो शेयर कीजिए।
और देखिए, हर घर में बहुएं बेटियां सबके घर में होती है, और प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या सावधानी रखनी है ये हमें मालूम रहना चाहिए। तो हम मैं मालूम रहेगा तो हम अपनी बहू को बेटियों को बता पाएंगे। तो ये सब जी चीजें हमें जाननी है और उस पर फोकस करना है। आज हमारी उम्र हो गई है, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे घर में जवान लड़कियां हैं, बेटे हैं, बहू है, उनको हमें नॉलेज नहीं हो, तो आप अगर सीख के रखोगे तो आप उनको बता पाएंगे। तो ये जी बातें जो भी आपने जानी अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जिनको आवश्यकता हो उनको आप वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो अब ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किशोरी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाई भी बहनों के साथ धन्यवाद, जुड़े सभी के तरफ से बहुत बहुत आप सभी धन्यवाद।